वाला वर्षी खान सबसे ज्यादा एंटरटेन करती है, सबसे ज्यादा रियल है, सबसे ज्यादा जेन्युइन है। और वो शुरू से जैसे भी आई थी, पहले एक हफ्ते में मुझे समझ में नहीं आई थी, आई थिंक किसी को भी ज्यादा समझ नहीं आई थी और सबको गुस्सा आ रहा था उनकी हरकतों पे। लेकिन मैं ये देखूंगी कि वो हमेशा से रियल रही है, वो बिल्कुल भी बदली नहीं। यू नो, उन्होंने वही एक अपना फेस दिखाया और लोगों ने उनको वैसे ही एक्सपेक्ट किया था कि अरे मतलब ये लड़की कैसी है, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। और मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ यार, वो बहुत खनक है उनकी आवाज़ में। बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप उनकी आवाज़ से पहचान लेते हो। आई थिंक अर्शी खान इज़ वन ऑफ देम, कि उनकी आप आवाज़ सुनोगे, एक भी वर्ड सुनोगे आप बोल दोगे अर्शी की आवाज़ है। पहला अर्शी खान सबसे ज़्यादा एंटरटेन करती है, सबसे ज़्यादा रियल है, सबसे ज़्यादा जेन्युइन है। और वो शुरू से जैसे भी आई थी, पहले एक हफ्ते में मुझे समझ में नहीं आई थी, आई थिंक किसी को भी ज़्यादा समझ नहीं आई थी और सबको गुस्सा आ रहा था उनकी हरकतों पे। लेकिन मैं ये देखूंगी कि वो हमेशा से रियल रही है, वो बिल्कुल भी बदली नहीं। यू नो, उन्होंने वही एक अपना फेस दिखाया और लोगों ने उनको वैसे ही एक्सपेक्ट किया था कि अरे मतलब ये लड़की कैसी है, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। और मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। अरे हाँ यार, वो बहुत खनक है उनकी आवाज़ में। बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप उनकी आवाज़ से पहचान लेते हो। आई थिंक अर्शी खान इज़ वन ऑफ देम, कि उनकी आप आवाज़ सुनोगे, एक भी वर्ड सुनोगे आप बोल दोगे अर्शी की आवाज़ है।